हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें इज एवरीथिंग ऑल राइट मैं आपको विजिबल ऑडिबल हूँ प्रॉपरली गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन कुलदीप मोनू शोभा आशीष शीतल अमन संजय प्रहलाद वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन एक बार बता दीजिए इज एवरीथिंग ऑल राइट बैंकिंग स्पेशल टू में और थ्री में क्या फर्क है शीतल ये पूछ रही है। ये बैंकिंग स्पेशल थ्री बैच है और इसमें ये एरियाज आपको स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं शीतल हर चीज बिल्कुल क्लियर है जो आपका सेकेंड बैच था यानी जो अक्टूबर के महीने में आया था वो कंप्लीट बैच था और ये एरिया वाइज स्पेसिफिक है यानी यहां पे डीआई की बात है यहां वो कैब की बात है और पजल की बात है तीनों एरियाज में ठीक है आवाज आ रही है क्लियर आपको सब कुछ ठीक ठाक चलिए आइए लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं क्लास और कल के सेशन में हमने सिलेबस का स्ट्रक्चर देखा था कल पहला सेशन था और उसके बाद हमने एक इंट्रो क्लास की थी जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस उसमें बचे हुए हैं जो आज हम लास्ट में सॉल्व करेंगे बट आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड्स वो कैब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं आइए जरा इसको समझते हैं वो कैब को किस तरीके से डेवलप किया जाए कल मैंने इंट्रोडक्शन में इनके मेथड्स की चर्चा आपके साथ की थी कि भाई एक जो मेथड हमारा होता है दैट इज कॉल्ड पीआरएस मेथड और दूसरा मेथड है ग्रुप्स का और इसके पीछे की कहानी भी हमें समझ में आई थी कि भाई इसके पीछे की कहानी यही है कि अगर आप कुछ एसोसिएशन बिल्ड कर पाएंगे तभी आपको शब्द याद रहेंगे तो यहां पे पी जो स्टैंड करता है वो किसके लिए करता है पी स्टैंड फॉर प्रेफिक्स आर स्टैंड फॉर रूट एंड एस स्टैंड फॉर सफिक्स कल मैंने बताया था कि इस मेथड से आपके पास काफी शब्द आते हैं 65 फाइव टू सेवेंटी परसेंट वर्ड जो हैं इस मेथड से बनते हुए हमें नजर आते हैं और अगर इस मेथड का अप्रोच आपको क्लियर हो गया कि कैसे इसके बेनिफिट्स को हमें मैक्सिमाइज करना है कैसे हम इनसे शब्दों को याद रख सकते हैं कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन में आप इनसे फायदा उठा सकते हैं तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाता है क्योंकि हमें पेपर के अंदर शब्दों के यूसेज बेस्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं ग्रुप्स कल हमने मोटे तौर पे चर्चा की थी कि भाई हमारे पास जो ग्रुप्स हैं होमोफोन्स के पैरोम्स के फिर बारी आ गई थी होमोनीम्स की फिर हमने बात की थी सिरेम और एंटनीम की भी लेकिन हमारा फोकस सिननीम, एंटनीम्स में किस पे होगा कि भाई सिनोनिमस वर्ड्स में क्या डिफरेंस है उन पे आप फोकस करेंगे तो फिलर्स और क्लोज टेस्ट में आपके लिए आसानी होगी और एक और कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी एपोनिम्स आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्परेंट्स हैं इतने ग्रुप्स इतनी कैटेगरीज आपके लिए पर्याप्त हैं और हमें मोटे तौर पे यह भी समझ आया था कि इन तीनों टाइप्स पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो कैब बेस्ड होमोफोन और से आपको मिलते हैं कंफ्यूजिंग बेस्ड क्वेश्चन और से भी तीन से चार तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आज की क्लास हमारी पूरी तरीके से बेस्ड है किसके ऊपर रूट वर्ड्स के ऊपर तो देखो रूट वर्ड ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप हिंदी और संस्कृत में शब्दों को सीखते हैं कि एक मूल शब्द होता है मूल शब्द का एक अर्थ होता है और अगर उसका अर्थ आपको पता है तो उससे बनने वाले शब्दों का अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप जो फोन यूज करते हैं एंड्रॉयड सिस्टम पे काम करता है अगर मैं आपसे पूछूं ये एंड्रॉयड वर्ड का मतलब क्या है एंड्रॉयड वर्ड का क्या मतलब है आपके दिमाग में क्या है कि एंड्रॉयड का क्या मतलब है तो आप क्या बताओगे या मैं सवाल को एक और सवाल पूछ लूं कि एंड्रॉयड का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो सकता है क्योंकि तो कल की क्लास में पहली क्लास में हमने ये समझा था कि ये मेथड हमें शब्दों को याद रखने के साथ साथ स्त्रनीम एंटनीम के क्वेश्चन में बहुत मदद करता है वन वर्ड के क्वेश्चन में बहुत मदद करता है तो अगर मैं पूछूं कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में हां जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना देखो यहां पे अगर रूट वर्ड का ज्ञान है तो आप तुरंत इसको कनेक्ट कर लोगे इधर a -N -D -R जो वर्ड है, ये रूट वर्ड है और ए एन डी आर का मतलब क्या होता है इसका मतलब मेल होता है और जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा सो दैट विल बी गाइनॉयड क्योंकि गाइनी का मतलब क्या होता है महिला वुमेन दैट इज अ रूट वर्ड देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द क्लास ट्रांसमिशन कुछ दिक्कत आ रही है ऐप में आप थोड़ा सा समय दीजिए मुझे ये क्लास एक्चुअली यूट्यूब और ऐप दोनों जगह लाइव है बट ऐप uh, में स्टूडेंट शायद इसे नहीं देख पा रहे हैं सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट प्रॉब्लम बेयर विद मी उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं आई होप अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी ऐप पे क्लास अभी आपको दिख रही है प्रज्ञा सतीश दिव्यांश गंगोत्री प्रवीण एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में देर वॉज टेक्निकल प्रॉब्लम जिससे यूट्यूब पे तो लाइव थी बट ऐप पे लाइव नहीं थी ये क्लास अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही क्लियरली अभी सब ठीक है चलो फाइनली मैं भी परेशान था मैं इसीलिए सबसे पहले जब लाइव आता हूं तो यही पूछता हूं कि इज एवरीथिंग ऑल राइट आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है तो YouTube पे तो कोई दिक्कत नहीं थी बट ऐप पे दिक्कत थी चले जी तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आज की क्लास में हमने कहां से शुरुआत की है आज की क्लास जैसे कि आपको दिख रहा है हम वो कैब डेवलपमेंट की बात आज से शुरू की है और कल सिलेबस के स्ट्रक्चर मैंने आपसे बात की थी रूट वर्ड और ग्रुप्स का मैथड तो आज हम रूट वर्ड के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से हम रूट वर्ड के जरिए अपनी वोकैब की समझ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इससे हमें अपने एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से फायदा मिलेगा तो डेवलपमेंट के ये दो मेथड्स की हमने चर्चा की आज फोकस हमारा पीआरएस मेथड पे है पीआरएस का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिफिक्स रूट सफिक्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हिंदी और संस्कृत में होता है आपके उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अब आइए तो हम रूट वर्ड के बारे में चर्चा शुरू कर चुके थे और मैंने पूछा आपसे कि एंड्रॉइड शब्द जो हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ये शब्द कहाँ से आया तो ये रूट वर्ड से आया था ए एन डी आर रूट वर्ड है जिसका मतलब मेल है और फिर मैंने एक सवाल पूछा कि एंड्रॉयड का ऑपोजिट क्या होगा और उसका जवाब होगा गाइनॉइड राइट right? अगर आपको नहीं पता है तो आज पता लग गया और ये भी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है ये भी रूट वर्ड से शुरू हो रही है गायनी रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वुमन तो ये पावर है इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी uh, की कि आप शब्दों का बिल्कुल सही अंदाजा लगा पाते हो भले ही हो सकता है वो शब्द आप पहली बार देख रहे हो बट अगर रूट वर्ड की गणित का पता है आपको तो आप उसका अंदाजा लगा लेंगे अगर मैं आपसे पूछूं अब क्योंकि मैंने आपको इशारा कर दिया है आप मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जिनमें महिलाओं जो महिलाओं से संबंधित हो और जिसमें गायनी का जिक्र हो और कुछ ऐसे शब्द बताओ जिसमें ए एनडीआर का जिक्र हो और वो पुरुषों से संबंधित हो तो आप कमेंट में अब मुझे वर्ड्स लिख के बताइए तब आपको समझ में आएगा कि इस मेथड की क्या उपयोगिता है आशा क्लास हो रही है बच्चे कुछ दिक्कत थी शायद टेक्निकल हां जी फटाफट जरा शब्दों की लिस्ट बताएं आप कली ने दो शब्द बताए हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तो देखो आपके पास शब्द आ जाता है क्या गाइनकॉलॉजी गाइनकॉलोजी और गाइनकॉलॉजी की स्पेलिंग में आपको एन ए ई भी मिल सकता है दैट्स रूट वर्ड तो वो चलता है आप अगर डॉक्टर्स को जाके देखोगे मतलब डॉक्टर्स का जहां नाम लिखा होगा या वो किसके एक्सपर्ट हैं तो नाम के नीचे लिखा होता है तो वहां पे आपको गाइनकॉलोजि जी वाई एन ए तो गाइनकॉलोजी विषय का नाम है दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है और जब आप इसके एक्सपर्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सीओ एल ओ जी आई एस टी ये बन चुका है कॉमन नाउन ठीक है ये वर्ड्स आपने देखा सुना हुआ है उसके बाद अगला जो तो शब्द आपने देखा सुना है वो है मिसोजिनी कल हमने इसके बारे में बात की थी अखबारों में बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है और यहां पे एक दूसरा वर्ड जो आपको मिल गया वो क्या है वो है मिजो मिजो का मतलब हेट होता है और हेट यहां पे लिटरल नहीं है इसका मतलब आप महिलाओं के लिए डिसरिस्पेक्ट का भाव रखते हैं और उस भाव को हम मिसोजिनी कहेंगे जो भाव रखने वाला है उसे मिसोजिनिस्ट कहा जाएगा कल हमने इसकी चर्चा भी की थी और वर्ड क्या समझ में आ रहे हैं आपको हाँ जी एंड्रॉयड यहां से कुछ और समझ में आ रहा है पॉलि एंड्री लिखा हुआ है वेरी गुड गुरदीप ने ये लिखा है पॉली एंड्री पॉली एंड्री क्या होता है गुरदीप व्हाट इज पॉली एंड्री देखो पॉली का मतलब हो गया बहुत जैसे आप पॉलीमर मोनोमर और पॉलीमर की बात करते हैं राइट सो एथीन इज अ मोनोमर और पॉलीथीन इज वॉट दैट इज पॉलीमर तो पॉली एंड्री का मतलब एक से ज्यादा पति रखना एनडीआर का मतलब मेल है पॉली का मतलब बहुत हो गया सो so, पॉली एंड्री का मतलब हो जाता है कि जहां पे पतियों की संख्या एक से ज्यादा हो सीधा सीधा आप उससे अंदाजा लगा लोगे, मान लो पॉली एंड्रस सोसाइटी आ जाए तो ओ यूएस लगा दिया वहां पे वो एग्जेक्टिव बन गया और कौन सा शब्द ए एनडीआर से आपको ध्यान में आ रहा है आप देखें एंड्रोजन हार्मोन की बात करते हैं एंड्रोजन हार्मोन यहाँ या ना बचपन से पढ़ रहे हो कहा किसका हार्मोन है पुरुषों का हार्मोन होता है जी एन जन अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब बर्थ होता है जन, यहीं से जेनेटिक्स आता है और जेनेसिस आता है और आती हैं जन्मजात बीमारियां राइट यहीं से होमोजीनियस आता है हेट्रोजीनियस आता है तो रूट वर्ड की ये पावर है कि एक वर्ड जानते ही आप तुरंत उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट वहां पे आ जाता है और और आप कुछ वर्ड्स बताएंगे मुझे मिसो गेमिंग इज अ डिफरेंट गेमी में जी ए एम रूट वर्ड आई एम वेटिंग फॉर कपल ऑफ मोर वर्ड्स चलिए अब मैं आपको इसकी ब्रांचिंग समझाता हूं एक रूट वर्ड यहां पे सेंटर में लिखते हैं ए डी आर राइट और आइए इधर लिस्ट करना शुरू करते हैं एंड्रोजन शब्द की का जिक्र हमने किया अभी एंड्रॉयड का जिक्र किया पॉली एंड्री का जिक्र किया पॉली एंड्री अब मैं कुछ और वर्ड्स इससे लिखने जा रहा हूं और आप मुझे बताओगे उसका मतलब क्या है क्या पॉसिबल मतलब हो सकता है अगला शब्द है मिसेंड्री मिसेंड्रिस्ट मिसेंड्रिस्टिक ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है अखबारों में आपको बहुत देखने को मिलता है फिर आपके पास शब्द आ गया एंड्रोफोबिया फिर वर्ड आ गया एंड्रोफीलिया तो ले देखे आपको यह तो जरूर पता लग रहा है कि इन सारे शब्दों का कही न कहीं ना कहीं पुरुषों से ही कोई ना कोई लेना देना है ठीक है अगला वर्ड है एंड्रगौगी अब देखना है कि आप इन शब्दों के मतलब का अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोक्रेसी कृषि का मतलब शासन का तरीका होता है बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी थियोक्रेसी यहां पे शब्द आ गया एंड्रोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोसेंट्रिक एंड्रोसेंट्रिक कई बार फैशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है आजकल बड़े बड़े अजीब अजीब फैशन आपको दिखाई देते हैं फैशन एंड्रोगाइनस फैशन वेरी गुड तो अब देखो आप फटाफट इनके मतलब एंड्रोफोबिया है फोबिया जहां भी होगा वहां पे क्या होगा डर होगा फियर होगा ठीक है जैसे आपने मिसोजिनी पीछे वर्ड किया है मिसोजिनी और मिसोजिनी का क्या मतलब था डिसरिस्पेक्ट फॉर वेमेन तो यहां पे हमने मिसेंड्री की बात जब की है तो आप तुरंत इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मिसेंड्री का मतलब क्या हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट फॉर डिसरिस्पेक्ट फॉर मैन डिसरिस्पेक्ट फॉर मैन दैट इज कॉल्ड मिसेंड्री राइट और मैंने अभी जैसे बात की कि इसके बारे में जिक्र आपको अखबारों में मिलता है मिसेंड्रिस्टिक लॉज ये टर्म इस्तेमाल होता था जैसे जब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2012 में घटी थी निर्भया केस जिसे हम जानते हैं तो उसके बाद कानूनों में बदलाव किए गए थे लेकिन उन कानूनों में रेप को लेकर के जो यौन हिंसाएं हैं उनको लेकर के लेकिन उन कानूनों का बहुत लोग गलत फ़ायदा भी उठाने लग गए थे और गलत आरोप लगा करके पुरुषों को फंसाने की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हो गई थी तो फिर इस मामले का संज्ञान लिया गया और अखबारों में लिखा गया मिस लॉज़ यानी ऐसे कानून जो पुरुषों का सम्मान नहीं करते राइट तो जब दोनों जेंडर्स को आप समान दर्जा देंगे राइट कानून के हिसाब से तो एक के कहने पे बिना तफ्तीश के जेल में डाल देना या बाकी प्रक्रियाओं में परेशान करना बिना तफ्तीश के गहराई से तो वो क्या है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो मिस लॉज हैं यही पावर मिलती है आपको रूट वर्ड की अब ऐसा नहीं कि आपको अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स कहीं भी आप पढ़ रहे हो आप तुरंत जाकर के डिक्शनरी देखोगे आपको पता है बाप जो है वो मिसेंड्री है मिसेंड्रिस्टिक उसी का बच्चा है राइट सो लॉज आईसी लगा हुआ है सफिक्स के तौर पे आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे लॉज हो गया कानून और ये कानून को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव शब्द हो गया मिस लॉज ये पावर आपको मिलती है अब ऐसे ही आप देखो यहां पर हमने शब्द लिखा फैशन एंड्रोगा और अगर हम एंड्रोगाइनस की बात करते हैं तो आपसे मैं पूछूं क्या मतलब है इस शब्द का तो आप बता दोगे सर एंड्रो मेल है और गाइनी फीमेल है और ओ यूएस आगे सफिक्स लगा हुआ है ये भी एडजेक्टिव हो गया और एंड्रोगाइनस फैशन का मतलब इस तरह का फैशन जहाँ पे महिला और पुरुष में विभेद कर पाना मुश्किल है जैसे आपको बड़े सारे आ, मेल मॉडल्स दिखाई देंगे दे देंगे आजकल वो क्या घरारा पहन रखी है उन्होंने या इस तरह के अजीब से ड्रेस तो कहने का क्या मतलब कि जैसे होता है ड्रेसिंग सेंस कि ये पुरुष का ड्रेस है ये महिला का ड्रेस है लेकिन इस तरह का फैशन जहां पे महिला और पुरुष के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता कर पाना बड़ा मुश्किल है वहां वर्ड आता है और ये आपको जो सप्लीमेंट्स आते हैं अखबारों के अंदर न्यूज में उनमें जैसे फैशन आर्ट कल्चर मूवीज के ऊपर आर्टिकल्स लिखे होते हैं तो वहां ये एंड्रोगनस फैशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो फायदा इसका यही है कि आपको सीधा सीधा वो शब्द दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है बिना रटे हुए वैसे ही अपने आप में ये फीलिया जो है ये भी एक सफिक्स है जिसका मतलब लव होता है अभी हम बात करने वाले हैं इस वर्ड के बाद कि क्या कहानी है आ, किस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं फाइल है फिलो है फीलिया है तो एंड्रो का मतलब पुरुष और फीलिया का मतलब लव यानी अगर पुरुषों के प्रति आकर्षण हो तो उसे क्या कहा जाएगा एंड्रोफीलिया और जनरली मतलब कॉमनली इसका शब्द देखने को मिलता है सेम सेक्स प्रति आकर्षण अगला शब्द है एंड्रोगॉजी अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप इस वर्ड को एंड्रोगॉजी को क्या किसी और शब्द के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो कुछ जवाब दे पाओगे आप किसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको जी एक शब्द आप सभी ने सुना होगा दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी कोई बताएगा क्या मतलब होता है वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडागॉजी उसी के साथ कनेक्ट कर सकते थे आप वेरी गुड गुरदीप दैट इज पेडागोजी और पेडागॉजी शब्द को अगर हम देखें तो शब्द का रूट जो है जो अगॉग ये भी रूट वर्ड है अगॉग का मतलब होता है टू लीड आप कैसे लीड करते हैं और पेड का मतलब होता है चाइल्ड ठीक है अब देखो इसी रूट वर्ड से बच्चों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन अब वैसे इसमें भी स्पेलिंग में थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा देखो स्पेलिंग्स में क्या है ये जो रूट वर्ड का मेथड है ना इसी को हम एटीमोलॉजी का मेथड कहते हैं यानी एक शब्द का विकास किस तरीके से हुआ उसके पूरे साइंस को आप इसके जरिए समझ सकते हैं तो इन शब्दों में किसी में 600-700 साल पुराना वर्ड हो सकता है जब बना था तब उसका मतलब भी कभी कुछ और था अब मतलब कुछ और है यह भी हो सकता है शब्दों के बीच में उनके स्पेलिंग्स में भी लेटर का घटना बढ़ना हो सकता है इवन अमेरिकन स्पेलिंग्स और ब्रिटिश स्पेलिंग्स में फर्क आपको पता ही है आपने बहुत बार सी ओ एल ओ आर देखा होगा वो अमेरिकन स्पेलिंग है सी ओ एल ओ यू आर स्टैंडर्ड ब्रिटिश है जो हम फॉलो करते हैं या प्रोग्राम की स्पेलिंग पी आर ओ जी आर ए एम ये अमेरिकन है एंड पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई ये ब्रिटिश है स्टैंडर्ड ब्रिटिश तो हम अपने पेपर में कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं जहां पे हमें लिखने हैं सेंटेंसेस तो वहां जरूर ध्यान रखें कि आप स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पेलिंग्स को ही फॉलो करें तो स्पेलिंग्स में ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं तो ये भी जो शब्द है ये ओरिजिनली था पाइडोज और पाइडोज का मतलब होता है चाइल्ड और पीईडी पेड का मतलब सिर्फ पैर होता है लेकिन ओवर द पीरियड क्या हो गया कि पीईडी चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और यही पीडी जो है वो लेग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं लेग के लिए आप मुझे शब्द बताना शुरू करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आप कहोगे सर साइकिल का पेडल होता है सर एक्सिलेटर का पेडल होता है जो आप दबाते हो फिर यहीं से वर्ड एक निकल के आता है पेडल डबल डी एल ई तो ये पेडल तो नाउन है बट ये पेडल वर्ब है पेडलिंग का मतलब जैसे ड्रग पेडलर्स आप ये शब्द सुनते हैं ड्रग पेडलर्स तो पेडल करने का मतलब फेरी लगाना घूम घूम करके चीजों को बेचना और बेचने वाले को हम पेडलर कहते हैं अगर मैं पैर के लिए और शब्द पूछूं तो आप बताओगे सर पेडेस्ट्रियन पाथ पाथ पैदल रास्ता जो होता है राइट right? पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है सड़क छाप जिसे कहते हैं जिसमें कोई नयापन न हो घिसी पिटी बात हो दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन स्टाइल ऑफ राइटिंग राइट अगला कौन सा शब्द आपको ध्यान में आ रहा है पेडेस्टल राइट तो ये सब के सब जो शब्द आपको नजर आ रहे हैं इनमें पैर का लेना देना है लेकिन जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चों के डॉक्टर को आप क्या बोलोगे इसको भी चलो तो, ग्रीन से ही लिख देता हूं मैं दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट पीडियाट्रिशियन उसका एक्सपर्ट हो गया और बच्चों के लिए कौन सा शब्द निकल के आ जाता है यहां से और कौन सा वर्ड निकलता हुआ दिखाई देता है आपको जी ये शब्द है पेडागॉजी अब आज पेडागॉजी शब्द का इस्तेमाल अच्छा पैर के लिए और क्या है भाई कोई और ध्यान में यार पेडिक्योर भी यहीं से आता है पेडिक्योर पैरों की देखभाल एनी anyway, वे तो यहां पे आप अगर देखें जो पेडागॉजी शब्द जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस शब्द का मतलब क्या था कि हाउ टू टीच अ चाइल्ड सो दैट चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर इन अ बेटर फैशन ये इस शब्द का लिटरल मतलब था कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं बच्चों को कैसे लीड करें पेड का मतलब चाइल्ड अकाउंट का मतलब लीड करना कि भाई एक बच्चे को किस तरह से लीड किया जाए उसकी जिंदगी में कैसे उसको पढ़ाया सिखाया समझाया जाए सो दैट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पेडोगॉजी राइट अब आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि एंड्रोगी का क्या मतलब है अब आप एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाते हो और जिस तरह से अडल्ट को पढ़ाते हो दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है आप बचपन की हमारी किताबें देखें तो वहां पे पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ज्यादा होती थी ए फॉर एप्पल है तो वो एक पेज पे एप्पल ही बना हुआ और एक पे आ, आपके स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ है लोअर केस अपर केस राइट तो उसको पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ज्यादा दी जाती है कलर प्रेजेंटेशन उसको ज्यादा मिलती है उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा बट अडल्ट को कोई चीज सिखानी है आपको तो उसकी तरी, उसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं आपके आपके लिए एक्सपीरियंसियल लर्निंग कराई जा सकती है आपको ट्यूटोरियल क्लासेज दी जाती है आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखते हो सो देर आर लॉट ऑफ मेथडोलॉजीज टू टीच यू उसे क्या कहा जाएगा उसे एंड्रोगॉजी कहा जाता है और पेडोगोजी हो गया बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए तो ये इसके पीछे की कहानी है अब इसी अगॉग के साथ में एक शब्द और आपको दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसका मतलब मुझे बताएं। हां जी। इस शब्द का क्या मतलब है डेमोगी वट इज द मीनिंग ऑफ डेमोगी एनी सुना है आपने ये शब्द और इसी क्रॉस कनेक्शन का मजा है रूट वर्ड आप तुरंत आपका दिमाग खुद ही दौड़ने लगता है आप कनेक्शन बिल्ड करने लगते हो देखो डेम वर्ड है डेम का मतलब होता है पीपल राइट right? और अगॉक का मतलब लीड करना तो डेमोगॉजी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कल मैंने ग्रामर की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी वो कैप के अंदर और वो ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है तो ऑटोमेटिक आप मतलब निकाल लेंगे अब जैसे ये जो शब्द है दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये बन गया आपका कॉमन नाउन तो डेमोगॉग किसको हम कहेंगे डेमोगॉग को लोग सीधा लीडर कह लेते हैं यानी जो डेम का मतलब पीपल इसी से डेमोक्रेसी आता है डेमोफाइल आता है डेमो आपका इतने सारे शब्द डेम रूट वर्ड्स है डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे जहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो आप डेमो क्लास बात करते हो डेमोन्स्ट्रेशन तो आ, उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे नहीं बड़े सारे शब्द निकल आएंगे अभी देखो कोविड फिर नया वेरिएंट लेके आ गया पैंडेमिक शब्द कितना आपने सुना यही रूट वर्ड है पैंडेमिक डेम का मतलब पीपल और पैन का मतलब बड़ा एरिया यानी बहुत बड़े एरिया में रहने वाले लोगों को जो बीमारी अपना शिकार बनाए अब जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की बात हो गई तो वो पैंडेमिक हो गया पैंडेमिक एपिडेमिक, एंडेमिक ये सब के सब शब्द रूट वर्ड से ही पैदा हुए हैं तो डेमाग का आप लिटरल मतलब ये निकाल सकते हैं कि अच्छा जो लोगों को लीड करे यानी एक लीडर को हम डेमागॉग कह सकते हैं बट ऐसा नहीं है इस शब्द का जो टिंज है जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है खास तौर से उन तरह के नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हों राइट जो इमोशनली आपको बेवकूफ बनाए आपको लगे कि हाँ आपके कल्याण के लिए कुछ काम होने वाला है लेकिन ऐसा हो ना तो उस तरह के नेताओं को जो एक तरह से मिसलीड आपको करते हैं और बस इमोशनली आपको अप डाउन कराएं बट रियल सेंस में कोई चेंज आपके जीवन में ना आए दैट काइंड ऑफ लीडर इज कॉल्ड डेमोगॉग एंड दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डेमोगॉजी तो ये फायदा है इस रूट वर्ड मेथडोलॉजी का कि आपका दिमाग तुरंत चलने लगता है और एक छोटी सी बात आप ऑब्जर्व और भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक रूट वर्ड का एक से ज्यादा मतलब भी हो सकता है ठीक है जब ये शब्द बना था तो पाइडोस था फिर अब पेट के तौर पे हम यूज करने लग गए एक एक गायब कर दिया हमने क्योंकि तो पीडियाट्रिशियन की स्पेलिंग में भी आपको पी ए ई ये देखने को मिल सकता है और फिर डी आएगा तो पेड लेग भी है और चाइल्ड भी है तो एक रूट वर्ड का एक से ज्यादा मतलब हो सकता है और एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड भी हो सकते हैं तो ये सारे रूट वर्ड का रंग अभी हम आज देख रहे हैं पहले जो शब्द लिखे हैं जरा उनकी चर्चाएं पूरी कर लें तो अब आपको एंड्रगोजी का मतलब निकालने में कोई मुश्किल नहीं है इसका मतलब कि दैट हाउ टू टीच अडल्ट उनके लिए मेल के लिए पुरुषों को आप कैसे टीच करेंगे उसी तरीके से क्रेसी शब्द आया है और क्रेसी शब्द जहां पे भी आता है ये रूलिंग पैटर्न के लिए इस्तेमाल होता है राइट तो एंड्रो का मतलब क्या पुरुषों का शासन यानी जहां पे मेल डोमिनेंस हो जहां पुरुषों का शासन की शासन व्यवस्था हो आ, उसे आप क्या कहोगे एंड्रोक्रेसी कहोगे और आप देखो इन सभी वर्ड्स के ना बहुत सारे वेरिएंट्स बनेंगे और ये वेरिएंट्स जो हैं वो किस आधार पर बनते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल के आधार पर एंड्रोक्रैट एंड्रोक्रेटिक राइट एंड्रोक्रेटिकली एंड्रोक्रेटाइज देखो पांच वर्ड तो मैंने एंड्रोक्रेसी से बना दिए तो ये पावर आपको मिलती है रूट वर्ड से क्योंकि आपकी अगर बेसिक ग्रामर दुरुस्त है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पाते हो वर्ड आपको पता है आपकी रेंज कई गुना बढ़ जाती है कई गुना बढ़ जाती है अब आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कहीं पे आपको मान लो एंड्रोक्रेटिकली वर्ड मिल गया बड़ा सा बट स्टिल यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड यू कैन ब्रेक दैट वर्ड इन दो सिलेबल्स क्योंकि आपको पता है कि किन किन शब्दों के टुकड़ों से ये बना हुआ है तो ये फायदा आपको मिलता है उसी तरीके से हमने एंड्रोजन हार्मोन की बात की तो जेन का मतलब ही क्या है बर्थ है यानी जो पुरुषों को जन्म दे सो ये अपने आप में रूट वर्ड हो गया बी आई आर टी एच बर्थ जैसे मैंने बात की अब यहीं से होता ना कि वॉट इज द जेनेसिस पॉइंट यानी इस चीज का जन्म कहां से हुआ है सो एंड्रोजन हार्मोन और एंड्रॉयड जिससे हमने शुरुआत की थी इस क्लास की कि भाई एंड्रॉयड का ऑपोजिट गाइनॉइड होता है और वहीं से आप ह्यूमोनाइड भी सुनते होंगे ह्यूमोनाइड यानी ह्यूमन जैसा रोबोट एंड्रॉयड का मतलब वही पुरुषों जैसा रोबोट तो ये रोबोट के लिए इस्तेमाल करते हैं आप आए, यहां पर सबिक जुड़ा हुआ है गाइनॉइड यानी महिला जैसा जैसे अभी एक न्यूज रीडर आई थी ना रोबोट सो so, एंड्रॉयड यानी पुरुषों जैसा रोबोट पुरुषों जैसी ताकत पुरुषों जैसे ट्रेड पुरुषों जैसे उसके लक्षण एंड्रोसेंट्रिक है अगर वर्ड तो सेंट्रिक का मतलब ही क्या होता है जैसे हम कहते हैं ना एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच लेना यानी आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम्स में आपको मदद करे जैसे यहां पे आप वो कैब सीखने आए हैं तो मैं यहां पे कोई वर्ड की लिस्ट आपको रटवा नहीं रहा कि ये वर्ड है इसका ये मीनिंग है ये सेंटेंस है इसके चार सेनानी रट लो चार इंटरनियम रट लो नहीं वो तो किताबों में भी अवेलेबल है और सैकड़ों किताबें हैं हजारों किताबें हैं वहां पर आपको ये सब लिस्ट मिल जाएगी आप यहां पे इसलिए आए हो वो कैब स्पेशल बैच में कि आप किस तरीके से क्योंकि कोई ये दावा नहीं कर सकता हमारे पास हजारों लाखों शब्द हैं किसी किताब में या कहीं पे भी रट भी लोगे कितना रट लोगे रटने की कितनी काबिलियत है हमारी और क्या रटना फायदेमंद भी है पेपर में कोई मीनिंग पूछ रहा है क्या किसका रटा हुआ मीनिंग उगल दो आप पेपर पे नहीं वो जब आपको पूछ रहे हैं एग्जाम्स में तो मैं बार बार कह रहा हूं यूसेज पूछ रहे हैं किसका यूज कैसे होगा फिलर्स में कैसे चूज करोगे क्लोज टेस्ट में कैसे चूज करोगे या मान लो आपने सिनेम्स की लिस्ट रट ही ली किसी पेपर की तो जरूरी थोड़ी कि दूसरे पेपर में वही ऑप्शन मिले जो आपने रटा हुआ है तो बेहतर है कि जो दिया गया शब्द और बाकी के चार ऑप्शन उनको थोड़ा ढंग से समझ ले। अगर समझ लेंगे तो शायद किसी एग्जाम में वो फायदा कर भी जाए क्योंकि अगर श्रेणीम के दस क्वेश्चन आप कर रहे हो तो दस क्वेश्चन से पचास वर्ड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन का वर्ड चार ऑप्शन मान लो तो हर क्वेश्चन के साथ पांच वर्ड है हमारे पास हम सिरेम्स में अगर उन शब्दों को समझने के लिए थोड़ा दो दो मिनट डिक्शनरी पे खर्च कर लें और नोट्स बना लें तो आपके दस क्वेश्चन से पचास नए वर्ड आपने सीखे वो आपको ज़्यादा मदद करेगा ना कि सिरेम की लिस्ट रटना मदद करेगा आपको तो हम इसीलिए इस अप्रोच से पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के अंदर आया है वो कैब स्पेशल बैच जाहिर तौर पर अगले मेन्स के पेपर्स हैं वो कैब की समझ जरूरी है बट वो कैब वही बात की हर तरह के एग्ज़ाम के लिए जरूरी है तो ऐसा नहीं कि ज्ञान सिर्फ वहीं तक सीमित है एनी वे एंड्रोसेंट्रिक का मतलब क्या अगर मान लो कहीं पे कोई फैशन डिजाइनर है और उसके लिए आ गया है कि वो फैशन डिजाइनर का अप्रोच जो है वो एंड्रोसेंट्रिक है यानी काइंड ऑफ डिजाइन वो बनाता है वो एक्चुअली पुरुषों को ध्यान में रख के बनाता है तो एंड्रोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया फोकस्ड ऑन मेल राइट जो पुरुषों के ऊपर फोकस्ड हो उसे क्या कहोगे आप एंड्रोसेंट्रिक कहोगे और पॉली मैंने आपको बता ही दिया जहां बहुपति प्रथा जो होती है जहां पुरुषों की संख्या एक से ज्यादा हो राइट उसे हम कहते हैं पॉली एंड्री पॉली एंड्री और अगर महिलाओं की संख्या पत्नियों की संख्या ज्यादा हो तो उस प्रथा को क्या है उसको पॉलीगेमी कहा जाता है जहां पे गेमी रूट वर्ड आता है बड़ा प्यारा रूट वर्ड है बड़े सारे शब्द वहां से बनते हैं हम उसकी चर्चा फिर से कभी करेंगे तो आ, क्योंकि देखो अभी आज अगेन रूट वर्ड का इंट्रो है तो मैं पूरा डायनेमिक्स आपको समझाना चाहता हूं कि इससे कैसे फायदे आपको मिलते हैं अब एक छोटा सा सवाल आपसे यहां पे कितने वर्ड लिखे थे मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो दस वर्ड आज आपकी आंखों के सामने मैंने लिखे और यहां समझाया क्या ये दसों वर्ड आपको जिंदगी में अब कभी भूलेंगे आप मुझे बस ये बताएं अगर आपने ध्यान से ये क्लास सुनी है तो क्या ये वर्ड आपको कभी अब भूलेंगे अब ये वर्ड आपको नहीं भूलने वाले क्योंकि इन पे हमने चर्चा की है इनका मतलब समझा है ना कि रटा है और अब इनके जो बाल बच्चे हैं आगे यानी अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल में कोई चेंज भी कर देना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप तुरंत उसका मतलब निकाल लेंगे क्योंकि इन रूट वर्ड्स के बारे में आपको पता है अब ये नहीं भूलने वाले आपको ठीक है और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही वर्ड है वर्ड्स और भी हो सकते हैं बहुत सारे शब्द यहां से आपको मिलेंगे जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं जिसको हम जार्गन्स कहते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स हैं मैं उनको लेकर के नहीं आ रहा अभी यहां पे मैं वो वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अखबारों में मिलते हैं क्योंकि अखबार में जो आर्टिकल आता है वही पेपर में पूछ लिया जाता है न्यूज पेपर्स रिसर्च पेपर्स वही से आर्टिकल उठा के दिए जाते हैं तो अगर कोई बायोलॉजी वाला आर्टिकल होगा तो उसमें शायद वो टेक्निकल आर्टिकल हुआ उसमें और शब्द बन सकते हैं बट एक जनरल जो वोकेबलरी है यहां से काफी शब्द आपको समझ में आ गए और ये आपको कभी नहीं भूलने वाले तो ये पावर है इस पर्टिकुलर मेथड की आइए अब रूट वर्ड के कुछ और जलवे देखते हैं कि इसके क्या क्या रंग हैं कैसे हमें समझना है चीजों को देखो एक छोटी सी बात मैंने क्या बताई आपको कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल उसका लेते हैं जैसे हमारे पास वर्ड है एल यू सी एल एम और एल एस और इन तीनों रूटवर्ड का मतलब जो है वो आपका लाइट या शाइन हो सकता है अब मैं आपसे अगर कहूं कि आप मुझे जरा वर्ड्स बताइए आप जानते हैं इन शब्दों को आप कुछ ऐसे शब्द सोच करके कमेंट सेक्शन में लिखें जिनमें एल 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 यू 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 सी एम या एस का जिक्र हुआ हो और उसका लेना देना लाइट या शाइन से हो तो मुझे पता है कि आप अभी भर भर के यहां पे शब्द लिख देंगे प्लीज लिखिए मुझे बताइए ये आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाता है ये मेथड राइट डाउन कपल ऑफ वर्ड्स जिनमें ये रूट वर्ड्स हो और जिनका लेना देना लाइट और शाइन से हो मैं कुछ और तब तक यहां पर लिखता हूं जहां पे आपके पास एक ही मतलब के लिए हमारे पास शब्द आ जाता है लोका लॉग एंड लॉक और ये शब्द जो है इसका लेना देना स्पीकिंग के साथ वेरी गुड वेरी गुड दीप्ति रौनक हलाद आशीष ल्यूसिड ल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट एल्यूसिडेट देखो आपको भी दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि पहले मैं जरा दिमाग को दौड़ाऊं कि एलयूसी से कितने वर्ड ध्यान में आ रहे हैं जितने आ जाए उतने पहले सोचो आप फिर एल्युवियम पे जाओ मैं भी ये सारे शब्द दिमाग में ऐसे ही रखता हूं तब आपको वो चीजें हमेशा माइंड में मैप्ड रहेंगी एल्यूसिट ठीक है अब रुकते हैं अब जरा एल्यूवियम पे आते हैं तो ल्यूमिन लाइट को मापने की यूनिट होती है ल्यूमिनस इन्वर्टर ल्यूमिनस एडजेक्टिव हो गया एल्यूमिनेट इल्यूमिनेट कर रहे हो किसी चीज को तो वो क्या है ये वर्ब है ठीक है लश्चर चमक होती है यहीं से आता है आपके पास इलस्ट्रेशन है आर डी शर्मा में आपने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पढ़े हैं तो इलस्ट्रेशन नाउन है इलस्ट्रेट वर्ब हो गया इलस्ट्रेटिव वहीं से बनने वाला क्या बन गया वो आपका एडजेक्टिव बन गया यहीं से फिर एल्यूवीएम से शब्द आ जाता है ल्यूमिनरी जो लोग अपनी फील्ड में बहुत प्रख्यात विख्यात होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं दे दीप्यमान नक्षत्र हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में तो उसी तरीके से आप इंग्लिश में क्या बोलोगे ल्यूमिनरीज ग्रेट ग्रेट ल्यूमिनरीज ल्यूमिनरीज आई एम फीलिंग वेरी मच टू बी इन ऑगस्ट कंपनी ऑफ सच अंडर वन रूफ एक छत के नीचे इतने सारे देदीप्यमान नक्षत्रों का साथ मिला मैं बड़ा भाग्यशाली हूं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं तो ल्यूमिनरीज ये ल्यूमिनरी नाउन है इसको प्लूरल करोगे ल्यूमिनरीज बन जाएगा तो तुरंत अब ये वो शब्द है ना मैंने अभी कोई नया शब्द नहीं बताया हो सकता है शायद आपके लिए एक दो वर्ड नए हो यहाँ पे और वो वर्ड एल्यूसिडेट हो सकता है हो सकता है अदरवाइज तो मुझे लगता है कि सारे शब्द आपने बचपन से देखे हैं बट हो क्या रहा है कि जो ज्ञान हमारा इधर उधर बिखरा हुआ था उसको अब हम क्लब करने लग गए हैं ऐसा नहीं कि कोई यहां पे बहुत ज्यादा कोई नई चीज सीख रहे हो आप अभी तक जो क्लास हुई है सीखोगे बहुत सारी नई चीजें बट अभी तक की क्लास हमें क्योंकि अभी शुरुआती क्लास है आज रूट वर्ड की पहली क्लास है तो मैं आपको बस यह कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका ज्ञान है आप थोड़ा उसको कनेक्ट करें और यह समझेंगे उस गणित को अगर आपने पकड़ लिया तो रटने का दर्द आपका दूर हो जाएगा तो यहां पर आप देखें तो ल्यूसिड जो शब्द है यह एडजेक्टिव है ल्यूसिड का मतलब होता है वेरी क्लियर ल्यूसिड वॉज ल्यूसिड डिस्क्रिप्शन और जब हम उसी से एल्यूसिडेट शब्द को देखते हैं तो आपको अपने आप मतलब इसका समझ में आ जाएगा जैसे कहा जाए एल्यूसिडेट दिस टॉपिक जो हम हिंदी में बोलते हैं ना किस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें या इंग्लिश में आप बोलते हो थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक तो वहां पे आप लेके क्या आते हैं वहां पे आप लेके आते हैं एल्यूसिडेट वेरी गुड गुरदीप पेल्यूसिड इल्यूजन अब देखो गुरदीप ने दो अच्छे शब्द बताए जरूर लिखना चाहिए हमें मैं वही कह रहा हूं कि आप अपने आप बताने लगेंगे आपके दिमाग के अब जब इल्यूजन आता है तो वहां पे आपको भ्रम ही तो होता है या ना इज अ वेरी गुड वर्ड कॉल्ड किमेरा किमेरिकल सिचुएशन सी एच आई एम ई आर ए जब uh, तपती गर्मी में सड़कों पे आपको नजर आता है कि पानी जैसा कुछ चमक रहा है राइट right? सो so, मिराज जिसे कहा जाता है राजस्थान की सड़कों पर तो दैट इज वॉट That is illusion, light का भ्रम हो रहा है आपको इन इूड इल्यूज लॉट ऑफ वर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस तो बाकी अगर मैं आपसे पूछू ल्यूसेंट आपको लाइट से जुड़ा हुआ ट्रांस जहां आता है ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड उस पार दूसरी तरफ हाँ या ना तो अगर ट्रांसल्यूसेंट का मतलब आपको निकालना है तो खुद ही निकाल लोगे कि भाई कोई भी चीज जिससे लाइट आर पार जा सके उसे आप क्या बोलोगे ट्रांसल्यूसेंट और बहुत सारे लोग ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में कंफ्यूज रहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए क्या फर्क है ये तो अपने आप मतलब समझ में आ गया और एलुसिडेट भी समझ में आ गया इसका मतलब हो जाता है टू एक्सप्लेन अब देखो एक बालक वो होगा एक स्टूडेंट वो होगा जो मतलब रटेगा कि एलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना ये आपका एक एक्सपीरियंस है और दूसरा एक्सपीरियंस क्या है कि एलिस्डेट का मतलब एक्सप्लेन करना क्यों है आज आपको वो समझ में आ गया जो हम कहते हैं ना इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें थोड़ा और इसको इलेबोरेट करें थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें राइट right? सो so वही तो मतलब है थ्रो सम लाइट एक्सप्लेन इसलिए इसका मतलब है कि इस चीज का वर्णन करें इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या करें ल्यूमिन नाउन है राइट लाइट नापने की यूनिट हो गई ल्यूमिनस एडजेक्टिव हो गया ठीक है इल्यूमिनेट वर्ब हो गया लश्चर चमक नाउन हो गई इलस्ट्रेशन नाउन है अब मैंने वही कहा किसी से इलस्ट्रेट वर्ब हो जाएगा इलस्ट्रेटिव फैमिलीज ऑफ बॉलीवुड आपको सुनने पढ़ने को मिलता है सो so, वो आप अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल से शब्द बनाते चले जाएंगे हाँ जी ट्रांसपेरेंट जो होता है वो पारदर्शी होता है यानी आप आर पार देख सकते हैं लेकिन में लाइट आर पार जा सकती है आपको दिखाई नहीं दे सकता जैसे ऑफिस में आप देखते होंगे जो ग्लासेस लगे होते हैं डोर्स के ऊपर तो लाइट तो आर पार जाती है बट उस ऑफिस में उस केबिन में कौन बैठा है ये आपको नजर नहीं आता ठीक है वेरी गुड तो देखो ये तो मैंने क्या कहा एक जड़ से इतनी ब्रांचेस निकलती हैं रूट वर्ड का ये फायदा है और मैं इसीलिए क्लास में भी रूट वर्ड को हमेशा इसी तरीके से कराता हूं मैं ऐसा नहीं कि लिस्ट रटाता हूं फिर आपकी आदत वही पड़ जाएगी कि अच्छा इसको भी तो रटना पड़ेगा आप खुद दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करते हैं अब उसी तरीके से आपके पास ये रूट वर्ड है अब यहां पे तो ये निपटेगा नहीं अगले पे चलते हैं यहां पे क्या बोला मैंने कि भाई लोका है हमारे पास लॉग है और लॉक है आप कुछ ऐसे शब्द सोचो जहां पे लेना देना स्पीकिंग के साथ जोड़ाओ नए वर्ड्स नहीं जो आपको पता है अभी क्योंकि तो इनसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं कौन सा एक शब्द आप एग्जाम में हमेशा से सुनते आए हैं पूछता आपको पूछा गया है इलोक्वेंट इलोक्वेंट देखिए लोका के साथ जोड़ा हुआ है और शब्द बताइए लोकेसियस loquacious, और कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है soliloquy, ऑबलॉक्वी magniloquent Grandiloquent Monologue Dialogue Prologue Epilogue लॉक्यूशन सरकम लॉक्यूशन इंटर लॉक्यूशन या इंटरलॉक्यूटर इंटरलॉक्यूट्रेस <laughs> ऐसे ही अभी एक और स्लाइड पर मैं इतने ही करीब वर्ड और आपको लिख के दे सकता हूं बट मैंने अभी कोशिश वो करी है अब देखो एक तो आपके पेपर में भी आया हुआ है एस में पूछा था वेंट्री वेंट्री लॉकवेस्ट वें ठीक है और ये बड़े सारे शब्द तो अब ये सारे के सारे शब्द क्या हैं बोलने के साथ जुड़े हुए हैं इलोक्वेंट एडजेक्टिव है अगर मैं अभी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करना चाहूं और इलोक्वेंस दे दूं तो इलोक्वेंस क्या है इलोक्वेंस जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये कलेक्टिव नाउन भी है आपने अपनी नाउन की क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि भाई वकीलों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं जैसे जूरी ऑफ जजेस होता है, वैसे होता है. जो है या एडवोकेट जो है अधिवक्ता जिसे हम कहते हैं अधिकृत वक्ता होता है वो. और जो सबसे प्राइमरी ट्रेट है किसी भी एडवोकेट uh, की वो क्या है कि भाई उसे अपनी दलीलों में बहुत कन्विंसिंग होना होता है कि जज साहब उसकी दलीलों से मुतासर हो राइट वो उससे कन्विंस्ड हो तो इसीलिए इलोक्वेंट स्पीकर जब आप बोलते हो तो इसका मतलब एक कन्विंसिंग स्पीकर होता है इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां वकीलों के समूह की बात कर रहे हैं वो कलेक्टिव नाउन हो गया और अदरवाइज इलोक्वेंस अपने आप में क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भाव हो गया वो सो so, अगला जो शब्द है वो लोकेसियस है और ये भी एडजेक्टिव है लोकेसियस का मतलब क्या होता है इसका मतलब टॉकेटिव होता है खास तौर से वो इंसान जो कि ट्रिवियल टॉकिंग करता है यानी अन बातें करने वाला बकवास करने वाले को लोकेसियस बोला जाता है सोलिलॉक्वी और मोनोलॉग अब ये इन वर्ड्स में आपको फंसाया जा सकता है फिलर्स के अंदर भी क्योंकि अगर आप गणित देखते हैं तो सोलो का मतलब भी सिंगल होता है और मोनो का मतलब भी सिंगल होता है मोनो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप साइंस में भी इतने मोनोमर पॉलीमर जिसकी अभी हमने बात की मोनो का मतलब एक होता है तो मोनो का मतलब भी एक है और सोलो का मतलब भी एक होता है कहते हो आप ये आ, इस एक्टर की सोलो फिल्म है मतलब इसमें यही है और कोई ऑन कास्ट कास्ट नहीं है मल्टी स्टारर फिल्म नहीं है सोलो फिल्म है इनकी तो सोलो का मतलब भी एक लोका का मतलब भी बोलना और लॉक का मतलब भी बोलना तो इसमें फर्क हमें पता होना चाहिए सोली लॉक्वी इस्तेमाल होता है सेल्फ टॉक के लिए यानी जब आप खुद से बात करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड सोलिलॉक्वी सेल्फ टॉक और यहीं से आप और शब्द बना सकते हो लाइक सोलोक्वी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ समवन आस्कस यू दैट व्हाट इज वन वर्ड फॉर द पर्सन हु डस सेल्फ टॉकिंग तो उसके लिए शब्द आ जाएगा सोलोक्विस्ट सोलोक्विस्ट ठीक है अगला है आपके पास अब्लॉकवी बिट्टू आप uh, कल का लेक्चर देख लें पूरा कोर्स स्ट्रक्चर उसमें बताया गया है कि इस बैच में क्या कवर होगा अगला शब्द है हमारे पास अब्लॉकवी

अब देखो यहां पे रूट वर्ड है मैग्ना और मैग्ना का मतलब बड़ा होता है यहीं से आप देखते हो मैग्नीफाइंग ग्लासेस राइट यहीं से आता है मग्नेनिमस पर्सन जो बड़े दिल वाला इंसान है बड़े उदार दिल का है मग्नेनिमस पर्सन राइट और अगला जो शब्द है इससे बड़े सारे और भी शब्द बनते हैं अब मैं मैगना पर बात करूंगा तो बड़े सारे वर्ड बन जाएंगे मैग्ना और मेगा दोनों का मतलब बड़ा होता है एक पागलपन होता है दैट इज कॉल्ड जो ज़्यादातर डिक्टेटर्स को होता है दैट इज कॉल्ड मेगैलो मेगैलोमैनिया मैं बड़ा शक्तिशाली हूं मेरे पास बहुत पावर है आपको मिल जाएगी तो बड़, बड़ बोला जिसे हम कहते हैं मैगनीलो अब थोड़ा सा ये आपके लिए होमवर्क भी है जिसकी हम बात कर रहे थे क्योंकि ग्रैंड का मतलब भी बड़ा होता है और मैग्ना का मतलब भी बड़ा है तो दोनों में क्या फर्क है

कल बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वेंट्री लॉक्विस्ट मुझे अभी याद आ गया वेंट्री का मतलब होता है बेली पेट सो so, वेंट्री लॉक्विस्ट इस्तेमाल होता है खासतौर से उन लोगों के लिए जो मिमिक आर्टिस्ट होते हैं जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं और जब वो बोल रहे होते हैं तो लगता है आवाज कहीं और से आ रही है राइट right? बिकॉज uh, uh, आपको अलग अलग तरह की आवाजें निकालनी है तो अपने पेट का सहारा लेना पड़ता है बोलना इज नॉट एन ईजी थिंग राइट सो आप कॉन्टिन्यूस अगर बोल रहे हैं तो बोलने में जान लगती है तो वेंट्री जो है वो उसी के आर्टिस्ट जैसे लोगों को हम कहते हैं बेली रूट वर्ड है जब एक इंसान बोल रहा हो और बाकी लोग सुन रहे हो दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग एक बोल रहा बाकी सब जो है वो ऑडियंस है वो सुन रहे हैं और सोलिलॉक जैसे मैंने कह दिया इसका मतलब है यानी जब आप खुद से बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप शब्दों का उच्चारण करें ही आप चुपचाप अपने कमरे में बैठे हुए भी अपने आप से बात कर सकते हैं आत्ममंथन चल रहा है इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है राइट तो ये पावर आपको मिलती है सॉरी से तो ये दोनों शब्दों में फर्क है मोनोलॉग सिंगल डायलॉग जब दोनों तरफ से बात हो रही डाई का मतलब दो हो गया प्रो और एपी देखो यहां पे लगा हुआ है प्रोलॉग होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच जैसे कोई फिल्म कई बार शुरू होती है या आप थिएटर जो नाटक जिसे हम कहते हैं प्ले प्ले देखने गए हैं तो उसमें एक प्रोलॉग होता है जो भूमिका बनाई जाती है कितने तरह से कारगर है। उसमें एक है कि में मदद करता है तो प्रोलॉग का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो गया एपिलॉग हो गया एक इंट्रोडक्टरी स्पीच है और दूसरा कंक्लूडिंग स्पीच है इलॉक्यूशन ये वर्ड आपने जरूर अपने स्कूल और कॉलेज में देखा होगा इलॉक्यूशन एक इवेंट जिसमें आप पार्टिसिपेट करते थे तो इलॉक्यूशन का मतलब होता है फॉर्मल स्पीच जो भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल के दिनों में आ, स्कूल में कॉलेजेस में तो इलाक्यूशन दैट इज फॉर्मल स्पीच अगला शब्द है सरकम लॉक्यूशन अब देखो यहां सर्क भी अपने आप में रूट वर्ड है और सर्क का मतलब राउंड होता है राइट right? सबको पता है सर्कल सरकम फ्रेंस सरकम नेविगेट सरकम स्पेक्ट एंड सर्कम लॉक्यूशन सरकम तो लॉक्यूशन का मतलब है जब आप गोल मोल बातें करते हैं गोल मोल घुमावदार बातें करते हैं नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली जिसको हम कहते हैं ना बीटिंग अबाउट द बुश सो दैट इज कॉल्ड सरकम लॉक्यूशन बात करने वाले को सरकम लॉक्यूटर कहोगे आप ठीक है और लेडीज के लिए सर्कम लॉक्यूट्रेस आ जाता था वैसे आजकल जेंडर न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल होते हैं जैसे आप एक्टर दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं मेल एंड फीमेल बोथ आप सुनते भी अवार्ड शोज में द बेस्ट एक्टर मेल गोज एंड द बेस्ट एक्टर फीमेल टू बट टिपिकली एक्टर और एक्ट्रेस होता था यू डू नो दिस उसी तरीके से इंटर इंटर जहां भी आता है दो के बीच की बात करता है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इंटर पर्सनल स्किल्स राइट दो लोगों के बीच की क्या स्किल है तो यहां पे इंटरलॉकेशन जो शब्द है हमारा इंटरलॉकेशन का मतलब दो पक्षों में बातचीत कराना तो जो मध्यस्थ होते थे दो वॉर टू वॉरिंग पार्टीज यानी दो ऐसे लोग दो ऐसी पार्टीज दो ऐसे पक्ष जिनके बीच में किसी तरह का विवाद है और दोनों लोग आपस में खुद नहीं बात करना चाहते बीच में एक मध्यस्थ लगाना चाहते हैं तो उस मध्यस्थ को जो इधर की बात वहां पहुंचाए फिर वहां की बात इन तक पहुंचाए उसे क्या कहोगे आप इंटरलॉक्यूटर बोलोगे जो ये कॉमन नाउन हो गया इंटरलॉक्यूशन आपका क्या बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया अभी बहुत सारे शब्द दोनों रूटवर्ड से हैं अगर हम लिखने जाए तो अगर मैं कंप्लीट वर्ड लिस्ट आपको देना शुरू कर दू सिंपल पॉइंट इन टूडेज वॉट दैट यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस 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 इज द द पावर ऑफ ऑफ पर्टिकुलर दिसजी पहले भी बहुत सारी आपकी रूट वर्ड की क्लासेस हुई हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं इतने सारे वो क्या स्पेशल बैचेस आ चुके करियर ऐप पे हमने कई बार क्लासेस में एक क्लास के अंदर डेढ़ सौ पौने दो सौ वर्ड एक घंटे में सीख के गए हैं एक घंटे के अंदर डेढ़ सौ से पौने दो सौ वर्ड और आज की क्लास में भी आप देख लो मुझे नहीं लगता कि आप सौ से कम वर्ड सीख के जाने वाले हो और ये वर्ड आपको फिर कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं तो जिस बच्चे के लिए वो चैलेंज होता है कि मैं सुबह दस वर्ड सीख रहा हूं शाम तक वो याद रह जाए वो अगर वो दिमाग वो माइंड रोज क्लास के अंदर सौ तो वर्ड सीख के जा रहा है और वो भी इस तरह से कि वो भूलने का चक्कर है ही नहीं है क्योंकि तो हर वर्ड के साथ डिस्कशन हो रहा है मैं यहां आपको मीनिंग ना लिखवा रहा हूं ना रटने के लिए कह रहा हूं अगर आप इस क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं और बिना मतलब इस समय कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं आप तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये शब्द आपके दिमाग में जिंदगी भर रहने वाले हैं ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे तो ये है कि दिमाग कनेक्शन बिल्ड करेगा तभी याद रहेगा और यह मेथड बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन बिल्ड कराता है तो देखिए ये एक अप्रोच हो गया कौन सा जहां पर एक से ज्यादा रूट वर्ड का सॉरी एक रूट वर्ड का एक से ज्यादा मतलब हो सकता है क्या बोला मैंने एक आ, मतलब एक मतलब के लिए जैसे यहाँ स्पीक मतलब है एक मतलब के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रूट वर्ड थे या यहाँ पे लाइट और शाइन के लिए प्रकाश चमक के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रूट वर्ड थे अब जो अगला केस है वो कौन सा है कि जहां पे एक पर्टिकुलर वर्ड के एक से ज्यादा मतलब है ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आप अगर एक एक ही मतलब जानते हो तो दूसरा मतलब आप निकाल नहीं पाओगे और जैसे ये भाषा जो है अंग्रेजी खिचड़ी भाषा है इतने एक्सेप्शन्स हैं हर जगह पे तो कोई एक गणित हम हर सिचुएशन के लिए मतलब पॉसिबल है ही नहीं है तो इसलिए आपको सारे रंग पता होने चाहिए अब जैसे मैं यहां पे एक वर्ड अगर मैं लिखूं फॉर uh, एग्जाम्पल जिसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज द वी ओ एल लेट मी राइट वी ओ एल अब वी ओ एल जो वर्ड है वर्ड के तौर पे इसका एक मतलब होता है टू रोल यानी घूमना और एक दूसरा मतलब होता है टू विश यानी चाहना और अब देखो एक ही रूट वर्ड के दो मतलब लेकिन इनका आपस में कोई लिंक नहीं है और मैं अगर आपसे कहूं कि आप जरा मुझे कुछ वर्ड बताओ जहां पे वी ओ एल का जिक्र हो और इसका मतलब चाहने से जुड़ा हो या इसका मतलब कोई चीज रोल कर रही है घूम रही है उससे जुड़ा हो आप मुझे जरा वर्ड बताइए देखता हूं कितने दिमाग के घोड़े आपके दौड़ते हैं गिव मी कपल ऑफ वर्ड्स सरकारी नौकरियों में कौन से रिटायरमेंट का ऑप्शन होता है VRS, क्या बोलते हैं उसको वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम तो वो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति जिसको आप कहते हैं तो वॉलंटियर जो शब्द है हमारे पास वॉलंटियर इज वर्ब एज वेल एज नाउन वॉलंटियर वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और वॉलंटियरिंग समवेयर यानी अपनी इच्छा से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वॉलंटियर हम स्वयं से भी को भी कहते हैं जो खुद ही अपनी सेवाएं दे रहा है तो नाउन भी हो गया और वहीं से शब्द आपके पास निकल के आ गया क्या वॉलंटरिली Voluntarily, so that is what ये आपका adverb हो जाता है यहीं से शब्द हमारे पास निकल के आता है volition. Volition का मतलब ही क्या होती है इच्छा होती है और कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है एक बड़ा पुराना शब्द है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है बेनोवलेंट और बेनोवलेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है जब भी मैं ऑपोजिट लिखूंगा दोनों तरफ एरो बनाऊंगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है वो शब्द आपके पास आ जाता है मेलोवलेंट मेलोवलेंट तो वोल का मतलब चाहना है और बेनी का मतलब गुड होता है यानी जो आपका भला चाहे अच्छा चाहे उसको बेनोवेंट पर्सन बोलोगे और मेल का मतलब होता है बैड और जो आपका बुरा चाहने वाला है उसे क्या बोलोगे आप मेलोवलेंट बोलोगे ये भी दोनों शब्द क्या है? हैं एडजेक्टिव ना हैं नाउन के तौर पर आप बड़े सारे शब्द बना सकते हो ठीक है अब जरा इधर आ जाओ रोल के लिए यहां पे कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है आपको सबसे पहले रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जब कहीं पे कोई क्रांति होती है तो पूरा सिस्टम जो है वो घूम जाता है थ्री सिक्सटी डिग्री फिर आता है रिवॉल्वर इतनी गोलियां थी दैट इज रिवॉल्वर वो घूमता है फिर यहीं से शब्द आता है आपके पास इनवॉल्व और इनवॉल्व का एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाता है इवॉल्व राइट right. अब इसकी भी गणित आप समझ लें जब आप किसी भी चीज में इनवॉल्व होते हैं यानी वर्ल्ड का मतलब घूमना इन का मतलब अंदर यानी घूमते घूमते आप उसके अंदर और फंसते चले जाते हो आप बहुत इन्वॉल्व हो गए हो और जब आप इवॉल्व होते हो तो ई का मतलब क्या हो गया एग्जिट यानी अब आप घूमते घूमते उस पछड़े से बाहर निकल रहे हैं और इसी इवॉल्व से इवोल्यूशन शब्द आता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो बचपन से आपने पढ़ा फिर यहीं से एक प्यारा सा शब्द और आता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूबल और ये वॉल्यूबल एक्चुअली स्पीकर के लिए आता है कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉल्यूबल हम किस तरह के वक्ता को वॉल्यूबल स्पीकर बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड वॉल्यूबल स्पीकर वॉल्यूबल इस्तेमाल होता है फ्लूएंट स्पीकर के लिए एक्चुअली जो फ्लूएंट स्पीकर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड वॉल्यूबल स्पीकर अब देखो रूट वर्ड से इसकी गणित अगर ध्यान में रख ली ना तो जिंदगी भर रहेगा एक है तरीका आंख बंद करके वॉल्यूबल का मतलब फ्लुएंट स्पीकर होता है और एक तरीका यह है कि जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ गया अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया क्यों फ्लुएंट स्पीकर बोलते हैं वॉल्यूबल को रूट वर्ड के साथ क्या कनेक्शन है बिकॉज हु फ्लुएंट स्पीकर उस इंसान की जो टंग है वो एफर्टलेसली रोल करती है फ्लुएंट का मतलब कि बोलने में पेस ज्यादा है वो तेजी से बोलता है वो तो तेजी से वर्ड्स को प्रोसेस कर पाता है तेजी से बोल पाता है तभी तो वो वॉल्यूबल है तो Uh, इस इंसान की जो जीव है जो टंग है वो एफर्टलेसली रोल होती है उसके उच्चारण फास्ट है प्रोनाशिएशन फास्ट है स्पीड फास्ट है उसकी दैट इज वाई वॉल्यूबल का मतलब फ्लूएंट स्पीकर होता है तो ये पावर आपको मिलती है जब आप रूट वर्ड के जरिए चीजों को समझते हैं फिर आप कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं अब ऐसे ही देखो अब आपके पास प्रेफिक्स के तौर पे ये बड़ा पूछ लिया जाता है जैसे री है री प्रेफिक्स के तौर पे इसका मतलब अगेन भी होता है फिर से और री का मतलब बैक भी होता है अब आप खुद ही बता दीजिए मुझे आप कुछ ऐसे शब्द सोचें मैं एक एक वर्ड लिख देता हूं जैसे रिटर्न शब्द है यहां री का मतलब क्या है बैक और यहां पे रेनोवेट शब्द है रेनोवेट रेनोवेशन तो आप देख लो री का मतलब अगेन और वी का मतलब न्यू होता है तो जब आप किसी चीज को नया बनाते हो तो फिर से नया बनाना रेनोवेट करना तो यहां पे री का मतलब अगेन है और टर्न का मतलब मुड़ना और री का मतलब क्या है बैक है तभी तो हम बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है नियमों में कानूनों में रटाया जाता है रिटर्न बैक एक सुपरफ्लस एक्सप्रेशन होता है क्यों होता है उसका कारण आपको पता है क्योंकि रिटर्न का ब, मतलब ही हो गया पीछे मुड़ना तो जब पीछे मुड़ना आपने कर ही दिया रिटर्न से तो रिटर्न बैक अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब वो इंसान जहां पर था फिर वहीं पहुंच गया गॉट इट बहुत सारे शब्द लिखोगे आप मुझे पता है फटाफट लिख जाओ आप जब रिफ्यूज करते हैं क्या करते हैं आप बैक जाते हैं रिवर्स करते हैं रिवर्स गियर होता है गाड़ी में ये सब बैक के लिए अब रिफ्यूज में बैक से कैसे मतलब है देखो फ्यूज फ्यूज का मतलब ही मिक्स होना होता है मिलना जब किसी चीज में फ्यूजन हो ना कहते हैं फ्यूजन म्यूजिक यानी दो तरह की म्यूजिक की जॉनर जॉनराज जो है वो मिल गए हैं सो रिफ्यूज यानी री का मतलब बैक फ्यूज करने से आप बैक हट गए यानी आप पीछे हट गए आपने हाथ नहीं मिलाया रिफ्यूज कर दिया उसी तरीके से गाड़ी में रिवर्स गियर होता है क्योंकि वर्स का मतलब क्या होता है टर्न मुड़ना अब यहीं से हमारे पास इनवर्जन कन्वर्जन परवर्जन डाइवर्जन वर्सेटाइल राइट अवर्जन लॉट ऑफ वर्ड्स वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूट तो री का मतलब क्या हो गया बैक हो गया और ये गलती लोग ईमेल में बहुत करते हैं ईमेल में कहते हैं रिवर्ट द मेल प्लीज वो गलत यूसेज है रिवर्ट द मेल नहीं होता रिप्लाई द मेल होता है क्योंकि रिवर्ट द मेल का मतलब कि जो सामने वाले ने आपको मेल भेजी है आप उसी को कॉपी करिए और पेस्ट करिए और दोबारा उसको चिपका दीजिए सो नो इट्स नॉट रिवर्ट नहीं बोलते रिप्लाई द मेल बोलते हैं और अगेन के लिए कौन कौन से शब्द हैं आपके पास अगेन काजल लिख रही है रेस्ट नहीं बेटा रेस्ट में ही रूट वर्ड ये प्रेफिक्स नहीं है ये देखो ये पहले आता ये प्रेफिक्स हो गया अगेन 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 रीन्यू करना लाइसेंस को रीन्यू करना है और रिमाइंड करना है रिडीम करना है वेरी गुड रिमाइंड का मतलब फिर से माइंड कराना याद दिलाना तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे अभी बहुत सारे मैं बस एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी ये मात मन दिमाग में बैठा लो आप कि अच्छा हाँ इसका यही मतलब है मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं जैसे अभी काजल का यहां एग्जाम्पल आ गया रेस्ट अभी ये सोच रही है रेस्ट में ये रूट वर्ड है कैसे रूट वर्ड है एस का कोई मतलब है क्या काजल मैंने क्या कहा शुरुआत में कि आपके पास मेजर चंक ऑफ वर्ड मैं ये नहीं कर रहा कि जितनी अंग्रेजी में शब्द दिखाई देते हैं सब रूट रूटवर्ड से ही बनते हैं बहुत सारे शब्दों के पीछे अलग अलग कहानियां हैं राइट उनका रूट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है बहुत सारे शब्द कैरेक्टर्स के नाम पे आ गए लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के नाम पे जिनको हम एपोनिम्स कहते हैं जो मैंने क्लास के शुरू में आपको बताया राइट right? बहुत सारे शब्द हैं उस तरह के किसी के नाम से आ गए वो मैक्यूवेलियन शब्द है मेला प्रोपिजम वर्ड है उनका किसी रूट वर्ड से एज सच कोई लेना देना नहीं है खैर मेला प्रोपिजम का है वैसे बट uh, uh, जैसे मैक्यूवेलियन शब्द है उसका कोई लेना देना नहीं है तो हर एक शब्द में रूट हो ये जरूरी नहीं है और कई बार आप रूट कुछ और समझते हैं और होता कुछ और एक एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पे कि ऐसी गलतियां आप ना करें अब जैसे मैंने मान लो यहां पे शब्द लिखा एम बी वैलेंट वैलेंट और एक दूसरा शब्द मैंने यहां पे लिखा मान लीजिए ठीक है या for that matter मैंने लिखा amiable, amicable, जो भी है बहुत सारे शब्द हैं अब आपको मैंने क्या बताया कि भाई देखो यार एम रूटवर्ड जो है ए एम का मतलब होता है या एम आई भी हो सकता है कहीं पे इसका मतलब होता है लव या फ्रेंडशिप आपने कहा ठीक है सर अब हम दिमाग में रखेंगे कि इसका मतलब फ्रेंडशिप या लव इसके साथ जुड़ा हुआ है एम का और यहीं से आपके पास शब्द आ जाता है एमिटी एमिटी सो उसी से बना हुआ है मित्रता एमिटी एमिएबल जो फ्रेंडली हो अब आपने कहा कि सर आपने बताया था तो यहां पे भी वही रूट वर्ड है बस यही गलत गलतियां हम कर देते हैं भाई यहां पे एम नहीं है यहां पे एम भी है वो आपकी फीलिंग है कि आपको लग रहा है कि उधर एम है एमबी का मतलब होता है बोथ दोनों और वैलेंट यानी वैलेंसी एमबी वैलेंट हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो इंसान एक ही समय में दो दिशाओं में जा रहा हो यानी जो कंफ्यूज हो जो डायलेमा में हो जो दुविधा में हो दो विधाओं में सोच रहा हो एट द सेम टाइम क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूल हो जाना स इज एब्रैक्ट नाउन एमबी वैलेंस इज एडजेक्टिव सो यह गलतियां आपसे होती रहेंगी बट यार लर्निंग के प्रोसेस में गलतियां नहीं होंगी तो कब होंगी तो हमें उन चीजों को दुरुस्त करते चलना है आप डिक्शनरीज का सहारा लीजिए अब कैम्ब्रिज है ऑक्सफोर्ड है मेरियम वेबस्टर है कॉलिश है मैकमिलंस है इन डिक्शनरीज में शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है किस सन में किस शताब्दी में वो क्या थे अब क्या हैं ये सारी चर्चाएं वहां पर रहती हैं प्रोवाइडेड दैट कि आप थोड़ा समय खर्च करें वहां पर शब्दों के साथ ये सब ज्ञान आप तक भी पहुंचेगा हाँ जी बिल्कुल लक्ष्मी रीअरेंज रिजर्वनेट बहुत सारे शब्द तो ये बात ध्यान में रखें अब मैं इसको अभी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि छेड़ूंगा तो लंब बात दूर तक लग जाएगी बहुत सारे शब्द बनते हैं एमर्स आई लव यू के कितने सारे शब्द सब एम सही तो है लैटिन फ्रेंच इटालियन है टियामो so, वो सब बाद में चर्चाएं करेंगे रूट वर्ड की आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था आपको तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो आप क्या चाहते हैं कल जो थोड़े से क्वेश्चन बचे थे उनको कर लिया जाए आज वो कैब का इतने डिस्कशन हुए पी आर एस मेथड का कुछ क्वेश्चन एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आज की क्लास में जो हुआ है हाँ जी तो आज हमने वो कैब डेवलपमेंट की अपनी प्रक्रिया शुरू की जो सबसे पहला हिस्सा था कल सिलेबस का डिस्कशन हुआ था आपको पता है इस बात का जो लोग नए हैं कल जाकर कल वाली वीडियो देख लेंगे आपको कंप्लीट इस बैच में क्या होने वाला है ये पिछले वाले बैंकिंग स्पेशल्स ये बैंकिंग स्पेशल कैसे अलग है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तीनों ही सब्जेक्ट के जो कोर्स डिटेल्स हैं वो बताए गए थे पहली क्लास के अंदर तो कैब डेवलपमेंट में हमने आज दो मेथड्स की चर्चा की है कल मैंने आपको निमोनिक्स और विजुअल वो कैब भी बताया था वो हम आगे देखेंगे और उन दो मेथड्स की यहां पे मोटे तौर पर चर्चा हुई पीआरएस मेथड और ग्रुप्स इसकी चर्चा बाद में होगी आज का फोकस हमारा पीआरएस मेथड पे था जिसको हम रूट वर्ड मेथड भी बोलते हैं सबसे पहले हमने इसके फंक्शन को देखा इसके फायदे देखे इसका फायदा यही है कि अगर आपको एक रूट वर्ड का मतलब पता है तो उससे बनने वाले बहुत सारे शब्दों का आप अंदाजा जो है वो आसानी से लगा लेते हैं जैसे मैंने बहुत जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वही शब्द आज आपके लिए दिया एंड्रॉयड कि आप उसको तुरंत तुरंत कनेक्ट करें और मैंने आपसे ये पूछा कि इसका ऑपोजिट क्या होगा एकाध जवाब आए थे ज्यादा जवाब आए नहीं थे बट जैसे ही मैंने आपको कनेक्ट किया आपके तार जैसे ही कनेक्ट हुए आपका दिमाग चलने लग गया और आपने खुद अपने आप शब्द बताने लगे मुझे लेकिन मैंने फिर गायनी को नहीं पकड़ा क्योंकि फिर उससे बहुत सारे शब्द बनेंगे आज से इतने ही वर्ड हमने लिखे लेकिन फिर हमने ए एन डी आर को पकड़ करके शब्द लिखने शुरू किए और फिर आपको यह समझाया कि अगर उस शब्द के बनने में जो जो टुकड़े इस्तेमाल हो रहे हैं जो है है या रूट है, सफिक्स जनरली ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिसाइड कर रहे होते हैं जैसे ओ यू एस लगा हुआ है या आई सी लगा हुआ है ए एल लगा हुआ है तो पता है आपको कि वो एडजेक्टिव का, का काम कर रहे हैं आई एस टी लगा होगा तो वो जनरली कॉमन नाउन होगा टेक्नोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट राइट आई एस एम लगा होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जनरली वो फिलोसफी होगी सोशलिज्म कम्युनिज्म कैपिटलिज्म और वहीं पर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट तो सफिक्स uh, वो काम कर रहा होता है राइट right? तो प्रिफिक्स का मतलब जैसे आपको पता है रूट का मतलब पता है तो आप आसानी से शब्द का अंदाजा लगा सकते हैं तो उस आधार पे हमने देखा कि ये सारे शब्दों का मतलब हमें याद रहेगा एंड्रो फैशन अब इसके साथ प्लस फैशन अगर लिख लिया ना आपने अपने, -अपने नोटबुक में तो आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा कि सर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था एंड्रोगाइनस फैशन का मतलब इस तरह का फैशन जहां महिला और पुरुष के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल है चाहे उनके जो कलर की च्वाइसेज हैं या कपड़े की जो कटिंग है डिजाइनिंग है आप देखो बॉलीवुड के अंदर सबसे अजीब से फैशन वाले कौन से इंसान है रणवीर सिंह के लिए कहा जाता है ही कैन पुल ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रेस यू नो वो कोट के नीचे घरारा भी पहन सकते हैं या जितने जिस तरह के कलर जैसे होता था कि ये लेडीज कलर्स हैं ये जेंट्स कलर हैं तो लाइंस आर बिकमिंग ब्लर राइट right, वो चीज़ें और फैशन अपने आप को रिवाइज भी करता रहता है बीस पच्चीस साल के बाद एनीवे सो एंड्रोगनस फैशन सब शब्द का मतलब पता रहेगा फोबिया डर होता है पुरुषों का डर है एंड्रोफीलिया पुरुषों के प्रति प्यार जैसे मैंने बताया कि सेम सेक्स रिलेशनशिप के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं एंड्रोगी आपको पता लग गया पुरुषों को पढ़ा, पढ़ाने का ढंग और अगॉग जिसका मतलब लीड करना था और पूरी रूट वर्ड की चर्चा हुई कि आप उनको किस तरह से लीड करेंगे उनको कैसे पढ़ाएंगे और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप अडल्ट लोग हैं आप बच्चे नहीं हैं कि इमला लिखानी और अटानी है उसको आप अडल्ट लोग हो आपको पढ़ाने का तरीका अलग होगा ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो पाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएं आत्मनिर्भर हो पाए वोकेबलरी में या जो भी एरिया मेरे साथ पढ़ते हैं मेरा हमेशा ये अप्रोच होता है वो सूख भी बड़ा विश्वास रखता हूं मैं साहब विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो आपको फ्री करे विद्या वो नहीं कि नहीं मेरी नैयत तो सत्यन सर पार लगाएंगे या फलस सर पार लगाएंगे या उनके भी तो गुरु का काम यह है दिशा दिखाना दिशा दिखा दिया यानी आपको हथियार दे दिया हथियार चलाना भी सिखा दिया और प्रैक्टिस भी करा दिया उसके बाद आप फ्री हो अब आपकी गाड़ी आपके ऊपर चलनी चाहिए अगर मैं सही मायनों में गुरु हूंगा तो मेरा ये अप्रोच होना चाहिए आइडियली ये नहीं कि बेटा मेरे नोट्स या मेरी क्लास ही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगी अरे तुम्हारा बेड़ा पार आप खुद लगा सकते हो मेरा काम जस्ट दिशा देना है किताबों में क्या वर्ड्स नहीं लिखे हैं क्या वहां पे तो लिखे ही हैं सब लिस्ट अवेलेबल है अल्फाबेटिकल ये वो एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट देयर यू कम टू अ गुरु अ टीचर अ मेंटर अ कोच कि आप उसके डायनेमिक्स को समझ पाए मेरा काम वो है और उसके लिए आप यहां पे हैं वो कैप में बिना लिखे और रटे भी सारे शब्द आपको ध्यान में रहेंगे प्रोवाइडेड नोट तो आप बना भी लोगे बाद में उसकी कोई दिक्कत नहीं है एक साल के लिए वैलिटी होती है आपके पास एक साल वैलिटी है इस कोर्स की तो नोट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एंड वाई यू आर लिसन वॉचिंग द क्लास उस समय कॉमेंट ना करें आप ये कोशिश जरूर करें आप पूछ लें बीच में मैं वैसे भी कुछ ना समझ है ऐसी गुंजाइश छोड़ता नहीं लेकिन क्लास के लास्ट में आप पूछ लो कि ना तो आपका फ्लो डिस्टर्ब हो ना तो मेरा डिस्टर्ब हो ठीक है तो आप मैं पूरी गारंटी करता हूं कि बैच में कुछ पचपन साठ घंटे आप मेरे साथ रहने वाले हैं और सिर्फ हम वो की चर्चा करने वाले हैं इस बैच के अंदर वो स्पेशल बैच है ये और इसके बाद आपकी जो रेंज होगी शब्दों के समझ की वो एक अलग लेवल पे होगी तो ये बात हमने समझी उसके बाद हम उसी शब्द को पकड़ा हमने क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि कैसे ये ब्रांचिंग कैसे होती है तो पेडागॉजी शब्द आप सभी ने सुना है मैंने तुरंत उसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश की कि आपको अगाग ध्यान में रहे और आप एंड्रागी का मतलब खुद दिमाग में डाल लें तो पेडागॉजी शब्द का जब जन्म हुआ था तब इसको सिर्फ बच्चों के साथ जोड़ा गया था आज हम वैसे पेडागॉजी का इस्तेमाल इन अ कॉमन पैरलॉन्स करते हैं जनरल सेंस में हम यूज करते हैं लाइक इवन इन टॉप बी स्कूल बिजनेस स्कूल्स दे टॉक अबाउट द पेडागॉजिकल पैटर्न स्टाइल की वो कैसे पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो देर देर आर ट्यूटोरियल क्लासेस देर आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस यू नो देर वर्कशॉप सो देर आर डिफरेंट मॉडल ऑफ टीचिंग इट्स नॉट अबाउट कि टीचर आके वहाँ पे बोर्ड काला कर रहा है और सामने वाला पेपर काले कर रहा है वो पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई का मतलब कि आपके दिमाग के तार हिलने चाहिए उस क्लास के दौरान तो उसके अलग अलग अप्रोचेज है तो आजकल हम पेडागोजी का इस्तेमाल जनरल सेंस में भी करते हैं बट एट द टाइम ऑफ द जेनेसिस ऑफ दिस वर्ड दिस वर्ड वॉज लिमिटेड जस्ट विद द चिल्ड्रन तो उसकी कहानी आपको समझ आए फिर उसी से मैंने और जोड़ दिया डेमोगाज़ी। आज वो भी शब्द आपने सीख लिया अगर कहीं लीडर पढ़ाया आपने, डेम का मतलब पीपल अगॉक का मतलब लीड करने वाला तो डेमोगॉक का मतलब लीडर उस सेंस में नहीं है वो उन सस्ते सो कॉल्ड नेताओं के लिए है जो बस लोगों का चूना लगाते हैं उनके लग, उन्हें लगता है कि हमारी बात कर रहा है हमारे लिए बात कर रहा है बट ऐसा होता नहीं विकास उन्हीं का हो रहा होता है जनता जहाँ थी वहीं रह जाती है तो उसके बाद ये भी बात समझाई साथ में कि एक रूट वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं जो हमने आगे भी डिस्कस किया लेग के लिए भी इतने सारे शब्द हैं और उसका मतलब बच्चा भी होता है पिटेंटिक लाइफ पिटेंटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग फिर हमने ये बात पकड़ी कि भाई एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं दो उदाहरण बस आज आपको दिए और आपके ही ज्यादातर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि मुझे आपके दिमाग को हिलाना है जो ज्ञान है आपके पास उसको बस थोड़ा क्लब कर लो सिस्टमेटिक कर लो वो बिखरा हुआ है जब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तब नया ज्ञान और ऐड होगा इनमें अभी बहुत सारे क्लासेस में बताऊंगा चला गया ऐसे ही आप भी लिखेंगे सारे शब्द ध्यान में रहेंगे फिर अगली बात मैंने समझाने की कोशिश की जो पिछले वाले केस से बिल्कुल अपोजिट था वहां एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड थे और यहां क्या है यहां आप देख रहे कि एक रूट वर्ड के या एक प्रेफिक्स के एक से ज्यादा मतलब पॉसिबल है और उन मतलबों का आपस में कोई रिलेशन हो यह जरूरी भी नहीं है तो ऐसे भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं इन चीजों को हमने एक्सप्लोर किया तो आज की पूरी चर्चा हमारी इतनी रही है बाकी चर्चाएं आगे होंगी अब मैं चाहता हूं कि कल कुछ सवाल हमने छोड़ दिए थे और ये शीट जो है वो अपलोड हो गई है ऐप में अपलोड हो गई आइए इसको फटाफट कर लेते हैं वी आर लेफ्ट विथ टेन मिनट्स तो कल जो पहली क्लास थी जहां हम थोड़ी अपनी वो कैब के करेंट स्टेटस को समझ रहे थे कि हम कहां पे हैं बिकॉज जब भी आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करें जिंदगी में कोई भी नया कदम उठाएं जो आपकी बेहतरी के लिए है तो सबसे पहला काम क्या होता है मैं कहां पे हूं और मुझे कहां जाना है इसके बीच का गैप समझना बहुत जरूरी होता है अगर आपको ये गैप समझ में आ गया तब तो आप उसको ब्रिज कर पाते हो कितने सारे लोग काम करते भी रहते हो उनको गैप का भी पता नहीं लगता तो इसीलिए मैंने कल ये कुछ क्वेश्चन दिए थे कल आपको लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के चैलेंजेस बताए थे ये लेवल थ्री के थोड़े क्वेश्चन हैं जहां पे आपकी वो की समझ और कॉम्प्रिहेंशन स्किल दोनों का इस्तेमाल हो रहा था द न्यू बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट इज नॉट अ पैसिव फिगर नॉर एन एक्टिव वन बट वॉट माइट बी कॉल्ड एन एक्टिवली वन ईगरली अटेंटिव एज इट इज टू साइट्स एंड साउंड दिस इज द क्वेश्चन अब जरा ध्यान से आप देखें इस क्वेश्चन को बात यहां न्यू बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट की हो रही है सबसे तो पहले यह ध्यान में रखना है मैं आपको छोड़ूंगा तो टाइम भी बहुत लगेगा आपके ऑप्शंस देखने में आप अपने मन में सोच लें बट ज़रा यहाँ पे अप्रोच पकड़ें अगर आपने सिर्फ इन्फेंट की बात सोची या एक छोटे बच्चे की बात सोची तो आपके मन में आकर्षण चारों शब्दों के लिए आ सकता है आपको लग सकता है कि छोटा बच्चा बहुत एडेप्टिव होता है यानी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है बच्चा बड़ा सवाल पूछते हैं छोटे बच्चे इनक्विजिटिव रिसेप्टिव होते हैं वो वो चीज़ों को रिसीव बहुत तेजी से करते हैं हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को आप सिखाते कम है वो सीखते बहुत ज़्यादा है इसलिए उनको ज्ञान कम दीजिए मुंह से कम बोलिए जो कर रहे हैं आप वो जरा सतर्क रह के करें क्योंकि वो उसको कॉपी करेंगे वो तो वो बहुत रिसेप्टिव होते हैं और तीसरी आखिरी ऑप्शन क्या है इंट्यूटिव कि भाई उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो इंट्यूशन बढ़ी है तो अगर आप ऐसे फीलिंग लेके ऑप्शन चूज करोगे तो आप फंस जाओगे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा पहली बात तो यहाँ पे छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही नवजात शिशु की बात हो रही है न्यू ह्यूमन इन्फेंट तो पहली बात न्यूबॉर्न ह्यूमन इन्फेंट जो है वो तुरंत नहीं हो जाता है, कि नहीं, बहुत है इतने, इतने क्वेश्चन होते हैं उसके दिमाग में क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि वो जो नवजात शिशु है ना तो वो पैसिव फिगर होता है और ना ही एक्टिव होता है तो होता क्या है वो बट वाइट बी वॉट माइंड बी कॉल्ड एन एक्टिवली रिसेप्टिव वन और यहां रिसेप्टिव भरना है इसके लिए उदाहरण कहां से मिल रहा है ईगरली अटेंटिव एज इट टू साइट एंड साउंड एंड साउंड तो बच्चे आप उनके सामने ताली बजाएं या अपनी आवाज निकालें लोग बच्चों को एंगेज करने के लिए अलग तरह की आवाजें निकालते हैं बच्चा तुरंत उनकी तरफ देखता है या आप लाइट जलाएं बच्चे का सर तुरंत ऊपर आ जाएगा उसकी गर्दन घूमने लगती है बोल नहीं पाता अभी Uh, बोलना तो उसके टाइम लगेगा उसको छह आठ महीने एक साल बोलेगा वो तब थोड़ा बहुत अभी वैसी आवाज़ें वो निकालता होगा तो लेकिन वो रिसेप्टिव बहुत है आगे उदाहरण दे रखा साइट्स एंड साउंड्स यानी जो उसके सेंस ऑर्गन हैं आंखों के जरिए और कानों के जरिए वो बहुत रिसेप्टिव होता है तो बाकी यहाँ पे किसी और ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी रिसेप्टिव के अलावा वो साइट्स और साउंड्स को लेकर के ईगरली अटेंटिव रहेगा तो तभी होगा वो इगरली अटेंटिव जब वो रिसेप्टिव है अब आप इस क्लास से तभी बहुत कुछ लेके जाएंगे जब आप क्लास में रिसेप्टिव मोड में बैठे हैं आप कुछ सीखने के लिए बैठे हैं तो आपको तब आप लेके जा सकते हो तो अगला क्या है कॉन्ट्रेरी टू हिज आउटवर्ड अपियरेंस ऑफ कंजीनियलिटी ही इज क्वाइट अब देखो ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि भाई यहां ब्लैंक प्लेस में आपको कॉन्जीनियालिटी का ऑपोजिट वर्ड चाहिए हाँ या ना क्योंकि पहले ही लिख दिया कॉन्ट्रेरी तो कंजीनियल आदमी जो होता है वो बड़ा फ्रेंडली होता है तो आउटवर्ड अपियरेंस तो उसका बड़ा कंजीनियल है बहुत फ्रेंडली बहुत एमिएबल बहुत एफेबल आपको दिखाई देता है लेकिन उसका ऑपोजिट शब्द चाहिए तो उसका ऑपोजिट शब्द क्या होगा रेटिसेंट कल मैंने चर्चा भी की थी रेटिसेंट हम उस तरह के इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपने इमोशंस फीलिंग थॉट्स लोगों के साथ आसानी से शेयर नहीं करता वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसी ऑफिस में एक रेटिसेंट आदमी काम करता हो तो जहां तक ऑफिस से जुड़े हुए कम्युनिकेशन की बात है वो इंसान बिल्कुल कंफर्टेबल है लेकिन जब अपने इमोशन फीलिंग्स को जाहिर करने की बात होती है तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता राइट तो ऐसे इंसान को हम रेटिसेंट बोलते हैं यानी बाहर से तो बड़ा फ्रेंडली लगता है लेकिन वो काफी रेटिसेंट आदमी है ये इसका ऑपोजिट हो गया चुपचाप रहने वाला रेजिलियट का कोई लेना रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी प्रिटेंसियस जो प्रिटेंड करे और पोलेमिक बड़ा प्यारा शब्द है कोई बताएगा मुझे पोलेमिक का क्या मतलब होता है पोलेमिकल स्किल्स Polemic, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सम हु हैज फैंटास्टिक आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स जैसे आपके स्कूल और कॉलेज में डिबेट एंड डेक्लेमेशन के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े काबिल होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट uh, रखते हैं तो समन हु हैजेंटास्टिक आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स दैट पर्सन इज कॉल्ड पोलेमिक ग्रेट पोलेमिक यहीं से आता है पोलेमिकल स्किल्स अच्छा शब्द है ये अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्योंकि बैंकिंग के अंदर आपके यूसेज बेस्ड क्वेश्चन काफी मिलते हैं डायरेक्ट पूछने के बजाय वो सेंटेंसेस में देके पूछ लेते हैं तो ये कुछ बड़े प्यारे से क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आप कर पाओगे नियरली ऑपोजिट बताना है आपको एक एक सेंटेंस का प्यारा सा क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन नहीं है हितेश बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट यहां पर भी रूट वर्ड है देखो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड तो स्पेक्ट स्पिक और स्पेक्ट तीनों का मतलब देखने से जुड़ा हुआ है कॉन्स्पीक्यूअस ऑपोजिट yani क्या होना चाहिए बताओ आप मुझे चार्मिंग अगली स्मॉल और अनोटिसेबल तो बहुत आसान है कि भाई इधर देखने की बात है यहां अननोटिसबल हो गया शी हेट्स दीज कॉन्टिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद फ्रेंड अब देखो यहां पर एक और ज्ञान क्वेश्चन बड़े एक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैं डिजाइन करने की कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन में कुछ सिखा सकूं आपको अब देखिए बहुत सारे लोग कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूज रहते हैं बताइएगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें शी हेट्स दीज कॉन्टिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद फ्रेंड्स रिपीटेड अकेजनल इेशनल एंड रेगुलर तो अब कॉन्टिन्यूअल का ऑपोजिट क्या होगा भाई रिपीटेड और रेगुलर तो इसका सिनोनिमस हो गया कि लगातार चल रहा है अकेजनली होगा कभी कभार तो कॉन्टीन्यूवल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा इरेगुलर हो जाएगा तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बेन बिहेवियर इट्स नॉट अर्बन लेकिन जो कुछ मासूम लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया कि वो जब अर्बन देखेंगे सोचेंगे अपोजिट रूरल होता है थर्टी फोर्टी परसेंट तो यहीं घायल होकर चले आएंगे तो भाई अर्बन और अर्बेन में फर्क होता है अर्बन का मतलब शहरी होता है रबेन का मतलब सोफिस्टिकेटेड जो एक सोफिस्टिकेटेड इंसान है क्लासी इंसान है तमीजदार इंसान है राइट right, एटिकेट्स जिसमें तो उसको हम अरबेन कहते हैं तो अरबेन बिहेवियर का मतलब एक सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर तो अब उसका ऑपोजिट यहां पे क्या होगा रूड होगा बदतमीजी वाला होगा ये उसका ऑपोजिट हो गया रूरल और इरेशनल का कोई लेना देना नहीं है इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फर्क ही ना पड़े He handled the मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स अब देखो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये में आ जाता है. के अंदर और बड़ी बात कि दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं. तो का मतलब होता है कुशल जो इंसान बड़ा कुशल है जबकि डेफ्ट का मतलब होता है फुलिश बेवकूफ वेरी गुड गुरदीप something समथिंग विच regularly और फ्रिक्वेंटली कॉन्टिन्यूस समथिंग विच इज गोइंग ऑन अबाउट एनी ब्रेक नहीं थोड़ा सा उल्टा हो गया ये सो कंटिन्यूअसली का मतलब होता है विदाउट ब्रेक कोई चीज लगातार चलती रहे और कंटिन्यूली का मतलब वो चीज ब्रेक uh, के साथ है लेकिन कॉन्टिन्यूड दैट्स द डिफरेंस हां जी तो डेफ्ट का मतलब हो गया कुशल इंसान डेफ्टली कोई काम कर रहे हैं और uh, कुशल इंसान का ऑपोजिट क्या हो जाएगा दैट इज क्लम्जी क्लम्जी डेलिकेट मुलायम हो गया स्टर्डी मजबूत हो गया क्विक तेज हो गया इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं जो बड़ा क्लम्जी आदमी है जो कुशल आदमी नहीं है देखो अभी हम बात कर रहे थे ना मग्निमस शब्द मैंने वहां बताया मैं यही कह रहा हूं क्लास में ये लिंटर, लिंकिंग से बहुत सीखते हैं आप हमने किया, हमने किया वही चर्चा की मग्निमस मैंने कहा बड़े उदार दिल वाला बड़े दिल वाला आदमी तो अशोका वॉज अ मग्निमस किंग अब मग्नैनिमस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहां पे कहते ना ये बहुत ही पेटी पेटी मुद्दों पे बड़े छोटे हल्के मुद्दों पे वो लड़ाई करता है पेटी दैट इज ऑपोजिट ऑफ मग्नानिमस यहां पे स्मॉल और तो खैर उसी के साथ का वर्ड हो गया काइंड और मैजेस्टिक पॉजिटिव शब्द है हमें ऑपोजिट चाहिए था और लास्ट क्या है माला इज ऑलवेज डिफाइंड इन हर बिहेवियर ये भी बड़ा प्यारा शब्द है डिफाई का मतलब क्या होता है चैलेंज करना और एक होता है डिफाई डी आई एफ वाई जब आप किसी को भगवान की तरह पूछते हैं डेटी शब्द वहीं से आता है सो एनीवे डिफाई चैलेंज एंड डिफाइंड का मतलब क्या जो इंसान एक रेबेलियन स्वभाव हो जिसका जो डिफाई कर रहा हो आपको चैलेंज कर रहा हो तो भाई देखो यहां पे ओबीडियंट हो गया ओबीडियंट आज्ञाकारी है और डिफाइंड जो है वो आपसे सवाल करेगा आपके खिलाफ जाएगा वो रिबेलियस होगा वो बेलीजरेंट होगा बेल रूट वर्ड है यहाँ पे दोनों में बेली रूट वर्ड है बेली का मतलब होता है वॉर लाइक -like, यहीं से रेबेल रिबेलियन बेलिकोज बेलिकोसिटी बेलीजरेंट लॉट ऑफ वर्ड्स वी गेट राइट और मीक का तो मतलब वैसे ही बेचारा डरा सहमा चुपचाप कायर सा सो so, ये थे क्वेश्चन राइट right? तो कल जो आपकी शीट थी मैंने उनके भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन कल बचे थे और आज हमने रूट वर्ड का ज्ञान शुरू किया है बेसिक बातें आपको बता दी मैंने अब इन्हीं के ऊपर हम बिल्ड करेंगे शब्दों को राइट और आज जिन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है पहले उनसे बनने वाले सारे शब्द कल कंप्लीट करेंगे राइट और जो वर्ड्स आज डिस्कस हुए हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जहां से ज्यादा शब्द आपको मिलते हैं और जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे ठीक है धन्यवाद जी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बाकी जो आज मुहिम चल रही है उसके लिए ट्वीट मैंने कर दिया था अब आप क्लास आपको पढ़ानी थी ना जिम्मेदारी से तो नहीं हट सकते तो पढ़ने वाले बच्चे भी थे एक भाई हमारे कह रहे हैं विश्वेंद्र जी कुछ ज्ञान दिया उन्होंने कोर्स से मतलब है तो बेटा आप के लिए ही है वो सब कुछ तो जो बैच में इनरोल हुए हैं उनको क्लास भी तो चाहिए ठीक है तो ट्वीट मैंने आ, स्टार्टिंग में ही कर दिया था तो आप जाकर के रीट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे मुझे आप पा सकते हैं इस लिंक के साथ @satendratiwari ठीक है अभी आपकी क्लास खत्म हुई अभी मैं फिर ट्वीट करूंगा सारी जिम्मेदारी निभानी होती है तो रेट -E -E ट्विटर पर जाकर के इस हैंडल को फॉलो करिए अगर नहीं किया है तो और आज ट्वीट हम करने वाले आज आ, आपकी क्लास से पहले दो ट्वीट मैंने किए थे चलिए थैंक यू थैंक यू वॉज वर्थ थैंक यू थैंक यू गुरदीप फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड प्लीज इस बैच के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं मैंने वही कहा ये अप्रोच अलग है या ये रटाने वाली वो कैब नहीं है आपको मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगा कि आप शब्दों के साथ खुद कनेक्शन बिल्ड कर सके एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी आर्टिकल एनी न्यूजपेपर एनी मैगज़ीन यू कैन डिवेलप योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स कैचअप टुमारो एंड फिर इसके आगे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी थैंक यू